हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माय सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करना है तो व्हाट आर द बुक्स विच यू कैन यूज, और मैंने अपने टाइम पे कौन सी बुक्स यूज करी थी। बिकॉज आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर कौन सी बुक्स रेफर करें। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे 650+ स्कोर कर सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले कि अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करना है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि बायो से और फिजिक्स से सबसे ज्यादा जो सिंपल पेपर होता है वो हर साल केमिस्ट्री का सिंपल बहुत आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज दे यूज टू जस्ट स्केयर्ड ऑफ द थिंग ना, कि नहीं भाई ऑर्गेनिक भाई इतनी सारी रिएक्शंस, फिजिकल है तो फिजिक्स लाइक, तो इन सब यू नो आप बहुत सारे अजम्पशंस वगैरह ले लेते हो कि नहीं ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। यू डोंट हैव टू जस्ट थिंक ऑल दैट, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले स्टार्टिंग है एनसीईआरटी, इज वेरी वेरी मस्ट बुक, आपको पता होगा सर ये तो सब बताते हैं, तो बस सब जो बताते हैं उससे थोड़ा अलग बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी आपको फिजिकल केमिस्ट्री की नहीं पढ़ना लाइन टू लाइन, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू दैट कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, तो फिर क्या पढ़े फिजिकल के लिए, आप जिस भी कोचिंग से कोचिंग ले रहे हो, इंस्टीट्यूट से, आपके पास जो नोट्स होंगे उनसे थ्योरी पढ़ो फिजिकल के लिए। एंड जो आपके एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, यू हैव टू डू दैट एवरी ईच एंड सॉल्व एग्जाम्पल। सर पीछे की एक्सरसाइज का क्या करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करोगे तो डेट इज द प्लस पॉइंट फॉर यू, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। लेकिन अगर आप नहीं करते तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल्स डेफिनेटली करना है, ठीक है। सो दिस इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो एनसीईआरटी इज मच सफिशिएंट। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक रिएक्शन आप एनसीईआरटी से पढ़ो दोनों 11th 12th की, दैट इज मच मोर। उसके अंदर भी सर वही सॉल्व एग्जाम्पल्स, उनके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कन्वर्जन आते हैं कि एक इथेनॉल से बेंजीन कैसे बन रहा है, तो उसके बीच में जितनी रिएक्शन, जितने कैटलिस्ट, अगर वो याद है, दैट मींस ऑर्गेनिक इज कंप्लीट फॉर यू। उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक में भी एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी से बाहर कभी क्वेश्चन जाता ही नहीं है। एंड यू नो इनऑर्गेनिक इज जस्ट मोर लाइक बायोलॉजी, यू नो, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर भी हमें सारी चीजें एज इट इज लर्न करना होता है, सेम विद इनऑर्गेनिक, मतलब दिमाग लगाना नहीं है। व्हाट इज द ऑर्डर यू हैव टू लर्न दैट, व्हाट द वैल्यूज यू हैव टू लर्न दैट, यू नो इसका ये बढ़ता है वो कम होता है, एटॉमिक रेडियस एंड ऑल दैट, सो यू जस्ट ओनली हैव टू मग अप इट, ठीक है। उसके अंदर कुछ ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं होती है। सो एनसीईआरटी आपको इस अकॉर्डिंगली ऐसे करना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बुक विच आई हैव यूज्ड। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर क्लास नोट्स बच्चों। तो जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जिसके भी मॉड्यूल्स आपके पास हो, यू हैव टू जस्ट लर्न ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दैट मॉड्यूल, बिकॉज दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आपने उन मॉड्यूल्स को कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्टअप हो जाता है, एंड यू कैन जस्ट रॉक इन द एग्जाम, यू नो। तो आपको वो तीनों के लिए, क्योंकि देखो मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, अगर मैं फिजिकल की बोलूं तो वहां आपको विद थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। That is your class notes itself, ठीक है? जो क्लास के अंदर आपको करवा रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप कर रहे हो, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए। वो मॉड्यूल्स कम से कम 3-4 बार आपको यू नो जस्ट रट्टे मार लो, उनके एक एक वर्ड उनका पढ़ डालो अच्छे से। तो अगर वो मॉड्यूल्स आपको क्लास नोट्स वाले बिल्कुल क्लियर हैं, तो डेफिनेटली आपका यू नो 90% काम तो वहीं हो गया। उसके बाद अगर और बच्चे हैं कि नहीं सर हमने एनसीईआरटी भी कर लिया, क्लास नोट्स मॉड्यूल्स भी कर लिए, और कुछ बुक्स बताओ हमें, और कुछ बच्चों, लाइक आप एमएस चौहान का नाम सुना होगा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बट दैट इज मच मोर बियॉन्ड, मतलब यू नो वो तो जेई मेंस वाले भी लगाते हैं, तो बट फिर भी आपको चाहते हो तो आप एमएस चौहान यूज कर सकते हो। बहुत सारे वो यू नो बच्चे ये होते हैं सर एमटीजी की पब्लिकेशन आ रही है आपकी फिंगर टिप्स वाली, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उन सबसे भी इंपॉर्टेंट ये सारी बुक्स भी आपने कर ली, बट डेफिनेटली व्हाट आई विल गो विद दैट इज योर बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्लीज आप ऐसा कोई भी मॉड्यूल यू नो मिल जाता है यार 150-200 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा आपको, कोई भी ब्रांड, आप अरिहंत, ओसवाल्ड, व्हाट्सएवर, जितने सारे भी मॉड्यूल पेपर्स आते हैं जिनके अंदर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं नीट के, एम्स के, और अगर आपको इंडिया के अंदर टॉप रैंक लेके आना है तो जेई मेंस के, ठीक है। तो नीट हो गया, एम्स हो गया, और जेई मेंस के क्वेश्चंस अगर ये आपने प्रीवियस ईयर के लगा लिए ना, वायदा यू नो चैप्टर वाइज चैप्टर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब एक साथ लगा, वो एक साथ क्लंप हो जाता है, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर वाला मॉड्यूल लेना जिसके अंदर चैप्टर वाइज दिया हो, ठीक है। सब क्या आते हैं आजकल मार्केट में, तो वो अगर आप लेके आ जाओगे एंड वो आपने सॉल्व कर लिया ना, दैट इज मच मोर बियॉन्ड। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो मैंने एमएस चौहान, एमटीजी, फिंगरप्रिंट्स और ये सब बताया, ये भी ना करो तो चलेगा। सिर्फ एनसीईआरटी जो बताया वो कर लो, क्लास नोट्स अच्छे से कर लो 3-4 बार बढ़िया से, ठीक है, और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो 10 साल के, दैट इज मच मोर बियॉन्ड। आपका केमिस्ट्री में 180 में से 170+ कोई नहीं रोक सकता गाइस, एंड दिस इज हेंसली प्रूव्ड। ये कोई आपको कहानी नहीं सुनाई जा रही है, कोई यू नो कोई गोलियां नहीं खिलाई जा रही कि नहीं भाई ये गोली खा लो और नंबर आ जाएंगे, दिस जस्ट प्रैक्टिकल एज इट इज, ठीक है। सो इफ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर डालता रहूंगा जिससे कि आपको हेल्पफुल मिले। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए,
एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां ज्वाइन हो जाइए, वहां पे भी मेरी बहुत सारी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।